हे गाइस, क्या आप भी सीखना चाहते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे सीखे, या फिर आप अभी फिलहाल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, अभी अभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और आपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट चुना है और उसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऐसे में ये वीडियो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ए भी नहीं पता तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ध्यान से देखो, जो कुछ भी मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी मैं आपको करने के लिए कहूं, वो सारा का सारा ज़रूर फॉलो करना। वीडियो भले ही लंबा होगा थोड़ा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना गारंटी से आ जाएगा। लेकिन उसके लिए यहां पर मैं आपको जो कुछ भी बोलूंगा वो आपको स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने होंगे। देखो यार, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया अच्छे से, आपको पता चल गया कि हाँ प्रोग्राम कैसे बनता है, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो या फिर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उन्हें आप आसानी से सीख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको शुरुआत में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ जाए कि भैया हाँ कोडिंग कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ थ्योरीज बताने वाला हूँ, डोंट वरी, मैं आपको किताबी भाषा नहीं बताने वाला, मैं आपको अपने तरीके से आसान तरीके से बताने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके साथ ही हम कुछ 4-5 प्रोग्राम्स भी बनाएंगे और मैं आपको प्रोग्राम्स बनाना भी सिखाऊंगा। इसके साथ ही कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप अभी फिलहाल स्टार्टिंग में हैं, सीखना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिगिनर लेवल पे है, तो ऐसे में ये वीडियो सीखने के बाद, यानी ये वीडियो देखने के बाद गारंटी कह रहा हूँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ जाएगा स्टार्टिंग का जो भी होता है। उसके बाद आप आगे एडवांस लेवल पे जा सकते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पर मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट हो तो ध्यान से देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है सिंटैक्स। अब आप बोलोगे ये सिंटैक्स क्या होता है, वेल अगर मैं आपको आसान और नॉर्मल मतलब अपने बातचीत की भाषा में बताऊं तो ये एक तरीका होता है, ये फिर कहें एक मेथड होता है, एक फॉर्मेट होता है, मतलब एक तरीका होता है कि मतलब हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से लिखते हैं, इसे हम बेसिकली सिंटैक्स कहते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल भाषा में बता दिया। तो जिस तरह दोस्तों एक फॉर्मूला होता है मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सेम उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक सिंटैक्स होता है। मतलब अगर आपको कोड लिखना है तो वहाँ पर आपको एक सिंटैक्स दिया होगा, एक तरीका दिया होगा, आपको ये तरीका फॉलो करना होगा और इसी हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कहें कोड लिखना होगा। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे पहले ऊपर की साइड आता है सिंटैक्स में, वो होता है हेडर फाइल। वेल हेडर फाइल क्या होता है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है hash include.studio.ih, ये क्या होता है ये आपको आगे समझ आ जाएगा। फिलहाल जो आपको ध्यान रखना है वो बस सिंटैक्स है, एक तरीका है। उसके बाद क्या होता है, मेन आता है, मेन के बाद ये दो कर्ली ब्रेसेस आते हैं, एक आता है ओपन और एक क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो सबसे पहला जो होता है उसे हम ओपन कर्ली ब्रेसेस कहते हैं और दूसरा जो होता है वो क्लोज कर्ली ब्रेसेस कहलाता है। तो इसके अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो कोड एग्जीक्यूट होता है या फिर कहें रन होता है। तो इसी के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसी के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता है। तो ये एक सिंटैक्स होता है सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर आपको सिंटैक्स समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन डोंट वरी, मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको कहा है कि वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, तो ही आपको समझ आएगा। तो आगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको सिंटैक्स समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है प्रोग्राम कोड लिखने का, जहाँ पर सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ऊपर की साइड आता है हेडर फाइल और उसके बाद आता है मेन, मेन के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आते हैं और उसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे या फिर कहें कोड लिखेंगे वो रन होता है। तो इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, आप जब थ्योरी समझने के बाद जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो प्रैक्टिकल के साथ साथ जो मैंने थ्योरी करवाया था वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट सी लैंग्वेज में वो है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। देखो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स आपको सीखना बेहद ज़रूरी है कि आखिर में ये होता क्या है, तभी आप एक प्रोग्राम लैंग्वेज बना सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में जो बेसिकली आते हैं वो आते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल।
और उसके बाद जो सेकेंडरी में आते हैं वो आते हैं एरे, पॉइंटर। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिकली प्राइमरी डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जैसे कि हो गया इंट, हो गया कैरेक्टर, हो गया फ्लोट, हो गया। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ जिससे आप एक छोटा मोटा प्रोग्राम बना सके। तो अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तब आप आसानी से सीख सकते हो वहाँ पर ये एरे क्या होते हैं, पॉइंटर क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ इसलिए ताकि अगर मैं आपको ये पॉइंटर और एरे भी बता दूंगा तो आप थोड़े से कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये डेटा टाइप्स और वेरिएबल होते क्या हैं। तो देखो यार, कंप्यूटर के मेमोरी में अगर आपको किसी भी चीज़ को स्टोर करना है तो ऐसे आप डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको उस वैल्यू का डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, वेरिएबल नाम डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद ही आप उसे एक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, यानी एक जगह दे सकते हैं। उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहते हैं उसका जो भी टाइप है, चाहे वो एक नंबर हो 1, 2, 3 या फिर एक नाम हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, तब आप उसे वहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कभी किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि हाँ आप कौन सी क्लास पास करके आए हो और कौन सी क्लास में जाना चाहते हो और आपका नाम क्या है, आपसे कई सारे डिटेल्स लेगा, उसके बाद ही वो आपको एडमिशन देगा ना। डायरेक्ट तो आपको नहीं बोलेगा कि हाँ भैया आप इस स्कूल से पढ़ के आ जाओ इस क्लास में बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता, एक रूल होता है। सेम इसी तरह यहाँ पर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए उसका डेटा टाइप और वेरिएबल यानी उसका एक नाम डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, एक मेमोरी एलोकेट यानी एक जगह देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, तो चलिए इसे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं जिसके बाद आपका जो डाउट्स है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि आखिर में ये डेटा टाइप्स होता क्या है। तो डेटा टाइप बेसिकली वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो कि बेसिक्स लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आता है वो आता है कैर। बेसिकली ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, यानी एक बाइट को स्टोर करता है। यहाँ पर आपको ये एक बाइट स्टोर करता है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख जाओगे तब आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो कैर है, ये जो कैर डेटा टाइप है यानी कीवर्ड है CHAR, ये बेसिकली कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि एक सिंगल कैरेक्टर हो गया A हो गया, ये कैरेक्टर हो गया B या फिर C। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह के कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है जैसे कि A हो गया, B हो गया, C होगा, तो यहाँ पर आप केयर डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप जो डेटा टाइप में है वो लिखेंगे CHAR। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंट। इंट यानी इंटीजर। तो बेसिकली इंट डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे कि हो गया 1, 2, 3। अगर आपको किसी भी तरह का नंबर को स्टोर करना है तो यहाँ पर आप जो डेटा टाइप रखेंगे वो रखेंगे इंटीजर यानी इंट, INT। तो ये डेटा टाइप है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्लोट। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह के फ्लोट वैल्यू को यानी पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना है तो यहाँ पर आपको जैसे कि मान लो 1.2 हो गया, इस तरह के वैल्यू को स्टोर करना है कंप्यूटर के मेमोरी में एलोकेट करना है, तो यहाँ पर आप फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है डबल। तो यहाँ पर बेसिकली जो डबल होता है वो सेम फ्लोट की तरह ही होता है, बस इसका जो बाइट होता है वो थोड़ा सा डबल हो जाता है फ्लोट के मुकाबले। अब बात आती है यहाँ पर सिंटैक्स की। तो यहाँ पर अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पर इसका एक सिंटैक्स होता है, जैसे कि एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने का सिंटैक्स होता है, सेम इसी तरह यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर करने का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पर डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको डेटा टाइप लिखना होगा कि वो कौन सा है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, पॉइंट वैल्यू है, उस तरह के डेटा को आप उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं, तो वो डेटा टाइप आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा। उसके बाद आता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल मतलब कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ABCD या फिर कुछ भी नाम जो आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में सेमी कॉलन लगाना होगा। तो सेमी कॉलन लगाना बेहद ज़रूरी है, ध्यान रखिए बहुत से लोग सेमी कॉलन नहीं लगाते जिसकी वजह से प्रोग्राम में एरर आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर डेटा टाइप में हमें एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, तो यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना होगा इंट, INT इंट। तो यहाँ पर हमें एक स्टोर वैल्यू करना है जो कि नंबर होगा, उसे स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम इंट डेटा टाइप लेंगे। उसके बाद इसका जो सिंटेक्स है, नाम आगे क्या कह रहा है, वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल नेम लेंगे, तो यहाँ पर हम वेरिएबल नाम लेते हैं एक्स। एक्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको आगे सेमी कॉलन लगाना है, तो ये डिक्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल की जगह पे जो नाम है वेरिएबल नेम एक्स, इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंट लेना है और यहाँ पर आप नाम लिखना चाहते हैं नम, यानी कोई नंबर स्टोर कराना चाहते हैं, तो आप नम भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लिखते हैं इंट और माई और डैश छोड़ के, एक स्पेस छोड़ के नेम लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है वेरिएबल नाम लिखने का।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा जो नाम है वो एक सिंगल लाइन में चिपका हो, आपको स्पेस नहीं छोड़ना है वेरिएबल नाम के बीच में, वरना आपको जो एरर वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह के, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है तो यहाँ पर आप कैर लिख सकते हो और उसके बाद वेरिएबल का नाम। अगर आपको पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है जैसे 1.2, 10.1 या फिर कोई भी रिजल्ट पॉइंट में आता है उसे आप स्टोर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लोट और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो जैसे ही आप ये डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद कंप्यूटर के मेमोरी में एक मेमोरी एलोकेट हो जाता है, यानी एक जगह बन जाता है उस वेरिएबल के लिए। जैसे यहाँ पर आपने इंट एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करा तो आपके कंप्यूटर के मेमोरी में एक वेरिएबल मतलब एक एलोकेट हो जाता है, मेमोरी मतलब एक एक्स के लिए एक जगह बन जाता है, कोना बन जाता है कि हाँ ये एक एक्स वैल्यू है, इस वेरिएबल का नाम ये है और यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू यानी नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली डेटा टाइप। तो यहाँ पर आपको ये चार डेटा टाइप्स याद रखना है, कैर, इंट, फ्लोट और डबल। तो ये होता है डेटा टाइप। वेल, अगर अब भी आप कन्फ्यूज हो तो डोंट वरी, जब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी तो समझना होगा ही। तो यहाँ पर आपको बस तीन इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स याद रखने फिलहाल बेसिक्स में। सबसे पहला जो आता है कैरेक्टर, जो कैरेक्टर वैल्यू यानी ए बी सी डी इनको स्टोर करता है। दूसरा जो होता है वो होता है इंट यानी इंटीजर, जो कि बेसिकली नंबर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा होता है फ्लोट यानी पॉइंट वैल्यू, अगर आपको किसी भी तरह के पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवाना है या फिर आप जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें रिजल्ट जो आ रहा है वो पॉइंट वैल्यू में आ रहा है तो यहाँ पर आपका जो फ्लोट वैल्यू को यानी फ्लोट डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होगा। बस आपको ये याद रखना है, डोंट वरी, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं आपको सारा वहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। तो अब आपको सी लैंग्वेज का सिंटेक्स पता है कि सिंटेक्स क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, और आपको ये भी पता है कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप यानी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करा जाता है, ये सब आपको पता चल गया। इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद हम जो भी प्रोग्राम है वो बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद आपका जो धीरे धीरे डाउट्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो समझने की बात आती है वो आती है कुछ कीवर्ड्स या फिर कहें कुछ फंक्शंस, जिनका काम बेसिकली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना होगा, और वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जब भी कोई भी सी प्रोग्राम बनाओगे तो वो जरूर काम आएगा, उन्हें आपको वहां पे इस्तेमाल करना ही करना होगा, तो आपको इन्हें अच्छे से समझना होगा। तो चलिए आइए समझते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होंगी, जिसमें जो सबसे पहला जो कीवर्ड आता है या फिर कहें फंक्शन आता है जिसका नाम है प्रिंट एफ। वेल, ये जो फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके इस्तेमाल होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका इस्तेमाल बेसिकली आप करते क्या है, किसी भी कैरेक्टर वैल्यू या फिर कहें रिजल्ट को या फिर आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए आप प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी वैल्यू या फिर कैरेक्टर वैल्यू हो या फिर कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना हो तो समझ लो यहाँ पर आपको प्रिंट एफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन आता है जिसका नाम है स्कैन एफ। वेल, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, किसी भी वैल्यू को रीड करने के लिए, असाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आपने प्रिंट एफ से जो भी वैल्यू सामने स्क्रीन पे दिखाई उसके बाद आपको जो भी असाइन करना है वो आप यहाँ पे सारा स्कैन एफ में असाइन करेंगे। वेल, डोंट वरी, जब आप इसे प्रैक्टिकली करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान में रखना है जो स्कैन एफ होता है वो बेसिकली जो भी वैल्यू होता है उसे असाइन करने के लिए, तो बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि स्कैन जो एफ होता है वो बेसिकली वैल्यू असाइन करने के लिए यानी दर्शाने के लिए या फिर उस वैल्यू को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना बस आप ध्यान रख लेना, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है डेटा टाइप। यहाँ पर बेसिकली हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट को यहाँ पर परसेंट डी से शो करते हैं। वेल, अब आप पूछोगे ये परसेंट डी है क्या, इसका क्या यूज है। वेल, जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओगे तब वहां पर आपको किसी वैल्यू को असाइन करना होगा या फिर उसमें वैल्यू असाइन करना होगा तब यहां पर आप उसे इस्तेमाल करते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है यहां पर जो इंट है उसे हम बेसिकली परसेंट डी से शो करते हैं, जब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तब मैं आपको वहां पर इसका क्लियर कर दूंगा डाउट। उसके बाद जो कैरेक्टर वैल्यू होता है उसे बेसिकली हम परसेंट सी से शो करते हैं, और या फिर जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर उसे बेसिकली हम परसेंट एस से शो करते हैं, और जितने भी फ्लोट वैल्यू होता है उन्हें हम परसेंट एफ से दर्शाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है इन वैल्यूज को असाइन करने के लिए या फिर डिस्प्ले रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यहां पर आप इन वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है इंट के लिए परसेंट डी, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस और फ्लोट के लिए परसेंट एफ। तो यहाँ पर लगभग सभी के लिए तो सेम ही है, बस यहाँ पर इंटीजर का थोड़ा सा अलग है जो कि डी है। तो ये ध्यान में रखना, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा।
वेल, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि है हेडर फाइल्स। वेल, हेडर फाइल्स आपको जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखोगे तो ऊपर की साइड में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड, यहाँ पर आपको हैश इंक्लूड conio.h और हैश इंक्लूड studio.h, यहाँ पर ये जैसा लिखा हुआ है सेम आपको वहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करना ही होगा, यानी ये आपको वहाँ पर ऐड करना ही होगा। इसी से जितने भी ये प्रिंट एफ और स्कैन फाइल है वो रन हो पाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो है सेमी कॉलन। वेल, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखोगे, जो भी एक स्टेटमेंट लिखोगे, हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पर सेमी कॉलन ये लगाना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद ही आप जो दूसरा नीचे के लाइन है वो स्टार्ट करोगे, वरना अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो ये आगे बंद नहीं होगा, वहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जितने भी स्टेटमेंट लगाने हैं उसके बाद आपको यहाँ पर सेमी कॉलन इस्तेमाल करना होगा। तो जब प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज बनाएंगे, कोड बनाएंगे, कोड लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये समझ आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ओपन और क्लोज ब्रेसेस। वेल, इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि मेन में मैंने आपको बताया था जो भी सिंटेक्स था सी लैंग्वेज का, एक मेन था और उसके बाद वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस थे, तो यहाँ पर ये ओपन और कर्ली ब्रेसेस आपको हर बार लगाना बेहद ज़रूरी है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्लियर SCR। वेल, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल अगर आप स्क्रीन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने रिजल्ट आउटपुट करवाया है, रिजल्ट दिखाया है, उसे मिटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो है GetCH। वेल, इसका इस्तेमाल आप स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा होगा कि आखिर में ये है क्या। डोंट वरी, आप एक अलग से कॉपी में, मैंने आपको ये जो कुछ भी बताया स्क्रीन में, जो दिखाया, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये जैसे मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है वो बेसिकली कॉपी में लिख लो, जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा, एक प्रोग्राम बनाऊँगा, तब आप वहाँ पे मैच करना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना एक छोटा सा प्रोग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इंट में, इंट यानी इंट डेटा टाइप को लेके दो वैल्यू को, यानी यूजर से जैसे कि हम एंटर करें, और उसके बाद उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके जो भी रिजल्ट है वो दिखाना, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, जो कि है टर्बो सी या फिर कहे टर्बो सी प्लस प्लस। वेल, ये सॉफ्टवेयर फ्री है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। इसके अलावा कई सारे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये जो टर्बो सी है या फिर कहे सी प्लस प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सी लैंग्वेज भी रन कर सकते हो, साथ में सी प्लस प्लस भी रन कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं हमारा एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ये इंटीजर यानी इंट डेटा टाइप का एक एग्जांपल है। तो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट से, उसके बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करना होगा, ये जिप फाइल फॉर्मेट में होगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, तो इसके बाद आपको इसे ओपन करना है, और इसके बाद यहाँ पर टर्बो सी पे दोबारा से डबल क्लिक करना है, और इसे टर्बो सी प्लस प्लस पे दोबारा से डबल क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्बो सी प्लस प्लस डॉट exe, ऐसा सिंबल दिखाई देगा। तो आपको इस पर डबल क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ध्यान रहे, ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली आपको जब भी इस एप्लीकेशन को रन करना होगा तो आपको इस फोल्डर की ज़रूरत होगी, तो इसे डिलीट मत करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब आपको नया प्रोग्राम बनाने के लिए आप सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है नए कोड लिखने के लिए। तो इस स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, जो भी नीचे ये हटाने के लिए, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं, जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको इस स्क्रीन को मिनिमाइज करना है, तो अगर आप कोई ऐसा वैसा बटन दबाएंगे तो मिनिमाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसे मिनिमाइज करने के लिए अपने कीबोर्ड पे आपको बटन दबाना होगा, विंडो और डी का बटन, ठीक है। तो जैसे आप विंडो और डी का बटन दबाएंगे तो ये जो स्क्रीन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, देखिए ये रहा। उसके बाद यहाँ पर ये जो छोटा सा स्क्रीन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से इसे बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा ऑल्ट और एंटर का बटन दबा दीजिए। तो जैसे आप ऑल्ट एंटर का बटन दबाएंगे तो ये जो स्क्रीन है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो इसके बाद अब आता है प्रोग्रामिंग कोड लिखना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक हेलो वर्ल्ड का छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे समझने के लिए। उसके बाद मैं आपको दो वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं यूजर से इनपुट करवा के वो सिखाऊंगा, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। ये हमने प्रोग्राम लिखा, यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको सिंटैक्स में बताया था सी प्रोग्राम लैंग्वेज के, सबसे पहले आपको हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा, ये हमेशा आपको ऐड करना होगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडर फाइल को ऐड किया था, जो कि था हैश इंक्लूड
studio.h, ठीक है, और इसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको लिखना है, यहाँ पे स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, stdio है और conio का conio है .h, ठीक है, ये आपको हमेशा लिखना ही है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर कहा था एक मेन आता है, मेन मेथड आता है, ठीक है, ये हमने एक और स्पेस छोड़ के यहाँ पर मेन मेथड लिख दिया, उसके बाद ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है, ये था, और उसके बाद यहाँ पर जो भी कर्ली ब्रेसेस थे ये थे, ठीक है। तो यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर हमें एक डेटा टाइप्स या फिर रिटर्न टाइप्स लिखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली यहाँ पर void लिख दो, void का मतलब null होता है, कोई वैल्यू नहीं लिखना, ठीक है, तो ये हमने void लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। तो ये आपको बाद में आगे समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो उसके बाद अब मैंने कहा था किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन में दिखाने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट एफ। अगर आप जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था उसमें आप सोचेंगे, पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो मैंने कहा था कि प्रिंट एफ बेसिकली रिजल्ट आउटपुट करवाने के लिए या फिर वैल्यू लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ लिखा, ये फंक्शन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद ये डबल कोट लगाना है, उसके बाद इसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, ये हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था, ध्यान है जिस चीज़ सी लैंग्वेज में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस चीज़ का भी स्टार्ट होता है उसका क्लोज ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर ये डबल कोट लगा रखा था, तो हमने दोबारा से डबल कोट लगा के ये बंद कर दिया, और ये फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देता। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सेमी कॉलन का इस्तेमाल बेसिकली एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए या फिर वहीं पे एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया, इसका मतलब यह है कि इस लाइन में, ठीक है, सिर्फ यहीं तक एक कोड है, एक स्टेटमेंट है, इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट आएगा वो दूसरा कोड होगा, दूसरा स्टेटमेंट होगा, तो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप हम इसे सिंपली रन करते हैं, देखिए यहाँ पर रन पर क्लिक करने के बाद हमने रन कर दिया, तो देखिए ये रन हो गया, ठीक है, लेकिन ये स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हेलो वर्ल्ड का लिखा हुआ। इसके बाद अब हम इसे कंपाइल करते हैं, तो देखिए कंपाइल करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की बता रखा है ऑल्ट F9, या फिर आप चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट F9 दबाता हूँ, तो देखिए ये बता रहा है सक्सेस, जिसका मतलब है कि आपका जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए अब हम इसे रन करते हैं, तो रन करने के लिए बेसिकली हम कंट्रोल F9 दबाते हैं, तो देखिए कंट्रोल F9 दबाएंगे तो जो स्क्रीन है वो होल्ड नहीं होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, हमें रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया स्क्रीन होल्ड करने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट CH, ठीक है, गेट CH ये लगाने के बाद सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद अगर आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे यहाँ से या फिर अपने कीबोर्ड पे प्रेस करोगे कंट्रोल और F9, तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा और यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा देगा हेलो वर्ल्ड का। हेलो वर्ल्ड का आपको दो बार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जो पुराना रन करा था वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा, तो हमें इस पुराने रिजल्ट को डिलीट करना होगा और जो नया रिजल्ट है वो हमें शो करना होगा। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक फंक्शन बताया था जिसका नाम है क्लियर CR, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर स्क्रीन का वो फंक्शन लगाना होगा जिसका नाम है CLRSCR, ठीक है, ये एक फंक्शन था और एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट और ये सेमी कॉलन। तो जैसे आप ये लगाओगे तो जो भी जितनी बार भी आप रन करोगे पुराना रिजल्ट डिलीट कर देगा और हमेशा नया रिजल्ट आपको शो करेगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड शो हो गया, जिसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का वो बन चुका है। तो इतना आसान है ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना। अब हम बनाते हैं दो वैल्यू को, यानी दो यूज़र वैल्यू से हम कोई इनपुट वैल्यू लेंगे और उसे ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है, वो समझते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा ये सिंटैक्स, इस तरह से प्रोग्राम रन होता है, सेमी कॉलन क्या है, गेट CH क्या है, क्लियर SCR क्या है, प्रिंट F क्या है। इसके बाद अब और कुछ चीज़ें बचता है जैसे कि स्कैन F, जो कि हम इस दो वैल्यू ऐड करने वाले में हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इस सारे प्रोग्राम कोड को डिलीट कर देता हूँ, चलिए दोबारा से टाइप कर लेते हैं क्या दिक्कत जा रहा है। तो हमने न्यू फाइल पर क्लिक करा, ठीक है, और ये पुराने वाले को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, विंडोज़ पर जाके ये हमने क्लोज कर दिया, ये हमें सेव नहीं करना। तो ये हमारा एक नया फाइल आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो दोबारा से हमें कोड लिखना होगा सेम जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंटैक्स लिखना होगा हैश इंक्लूड सबसे पहले ये जो भी कोड है जो मैंने आपको बताया था हेडर फाइल, ये आपको हमेशा लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखना स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मिस्टेक होता तो एरर आ जाता बार बार, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर मेन होगा, अब हम जो और ये
ये हमारा सिंटैक्स था, ठीक है। अगर आप सिंटैक्स देखेंगे सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ये एक सिंटैक्स है। अब क्या करना है, हम यहाँ पर एक प्रोग्राम वैल्यू बना रहे हैं जिसमें हम दो नंबर को लेंगे, दो यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएंगे और उसका टोटल करके दिखाएंगे, उनका प्लस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो नंबर हमारे पास आएगा वो बेसिकली होगा एक इंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेटा टाइप रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना होगा, यहाँ पर हम इंट लिख देते हैं मेन, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर इंट, अगर आप ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो ये लिखने के बाद अब हमें क्या करवाना है, सबसे पहले हमें यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले में, मतलब स्क्रीन में आपको दिखाना होगा एंटर द नंबर वन, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर वन। तो यहाँ पर आपको प्रिंट में स्क्रीन दिखाने के लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट एफ, ठीक है। ये प्रिंट एफ हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट और ये डबल कोट, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हमने एंटर द फर्स्ट नंबर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया ये। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में सबसे पहले शो होगा एंटर द फर्स्ट वैल्यू, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट वैल्यू यानी पहला नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीन में शो कर दिया, लेकिन इससे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ऊपर की साइड यानी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसके नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है। ध्यान रहे ये स्टार्टिंग है तो ये क्लोज पॉइंट है, ये हमेशा इसके अंदर ही कोड लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा वेरिएबल, हमने एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना है यानी नंबर होगा, तो यहाँ पर हम इंटीजर लेंगे, ठीक है। इंट नंबर स्टोर करवाना है तो इंट, ठीक है, इंट लिया और इसका नाम दे दिया ए दे दिया हमने, ठीक है, ये ए हो गया। और दूसरा ले लिया इंट और ये बी ले लिया, ये सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। या फिर आप चाहे तो इसकी जगह पर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये इंट लिख दिया, कॉमा लगा के बी लगा दिया और ये सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली वैसे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ये हमने लिख दिया इंट बी, ठीक है, ये लगा दिया सेमी कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, यानी एक मेमोरी में एक जगह बना दी इंटीजर का ए नाम का और एक दूसरा बी नाम का, जिसमें दो नंबर वैल्यू सेव होंगे, ठीक है, सेव होंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा प्रिंट एफ, जिसमें लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, मतलब सबसे पहला नंबर आपको एंटर करना है। इसके बाद अब इसमें जो भी नंबर आएगा उसे हमें असाइन करना ज़रूरी है ना, कि इसमें जो भी नंबर डाले उसे हम ए में डालें या फिर बी में डालें। तो ए में डालने के लिए आपको क्या करना होगा, जिसमें भी डालना आपको वो वैल्यू नंबर, यहाँ से जो भी ये नंबर एंटर करेगा यूज़र, वो वैल्यू अगर आपको ए में डालना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा स्कैन एफ। याद है मैंने कहा था स्कैन एफ का बेसिकली इस्तेमाल आप वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन टाइप करना है स्कैन एफ और ये लगाना है दोबारा से, और उसके बाद इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू के लिए मैंने आपको कहा था परसेंट डी, याद है आपको अच्छे से। अगर आप वहाँ पर जाके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने कहा था इंटीजर वैल्यू यानी नंबर वैल्यू के लिए हमेशा यहाँ पर परसेंट डी लगाएंगे, ठीक है। और फिर ये डबल कोट करके हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक कॉमा लगाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है एंड, और जिस भी वैल्यू में आप स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 10 लिखा तो 10 को अगर आप ए में स्टोर करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ए लिखना है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये हमने, और यहाँ पर हमने ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे ए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर, वो ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, दूसरा वैल्यू लेना है प्रिंट एफ, ये हमने दूसरा वैल्यू लिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे ताकि आपको समझ आ जाए, ये हमने छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर अब दूसरा वैल्यू एंटर करवाना हमें प्रिंट एफ, दोबारा से लिखना होगा सेम दूसरा वैल्यू एंटर करवाने के लिए, और यहाँ पे लिखना होगा एंटर द सेकंड नंबर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और सेम ऐसे लिखना जैसे ऊपर लिखा, बस यहाँ पर हमने लिख दिया सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे जो हम दूसरा नंबर डालेंगे वो आपको बी में पहुँचाना है, तो सेम आपको यहाँ पे स्कैन एफ का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है स्कैन एफ, ठीक है, और इंटीजर वैल्यू हो तो परसेंट डी लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर डबल कोट, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे एंड, और ये बी में वैल्यू हमें पहुँचाना है तो हमने ये बी में कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा काम अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर करेंगे फर्स्ट में वो ए में पहुँच जाएगा, और उसके बाद दूसरा जो हमें नंबर पूछेगा वो पूछेगा बी में, तो ये हमारा पहुँच जाएगा बी में, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना है जिसमें इन दोनों का ऐड या फिर कहे जोड़ हमें ऐड करना होगा। तो हमने एक वेरिएबल कंप्यूटर के मेमोरी में एक मेमोरी एलोकेट कर दिया इंट सी, जो कि एक इंट डेटा टाइप है जिसमें नंबर ही सेव होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का एडिशन भी तो एक नंबर ही होगा।
तो यहाँ पर हमने int c लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये सेमी कॉलन लगा दो, या फिर आप चाहे तो इसी के आगे ले सकते हो c इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है a प्लस b, ये हमने इन दोनों को जोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों से जो भी वैल्यू आएगी, ध्यान रहे इसमें जो भी एंटर करूँगा और इसमें जो भी एंटर वैल्यू करूँगा, वो एक सी वेरिएबल में, यानी कंप्यूटर के मेमोरी में जो भी एक सी वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा, और उसमें स्टोर होकर क्या होगा, ये दोनों का एडिशन होगा ए प्लस बी का, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है, जो भी सी में वैल्यू ऐड हुआ उसे प्रिंट करवाना है, तो सिंपल दोबारा लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, और ये वेरिएबल सी है तो इसे प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, टू नंबर इज, ठीक है, तो ये सबसे पहले स्क्रीन में शो होगा सम ऑफ टू नंबर इज, और ये हमने यहाँ पे कॉलम लगा दिया, ये एज इट इज शो होगा, ठीक है, जो आप लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर ये वेरिएबल मतलब इंटीजर वैल्यू है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा परसेंट डी, ध्यान रहे, तो सबसे पहले रिजल्ट में शो होगा सम ऑफ टू नंबर इज और उसके बाद परसेंट डी, यानी ये सी है, ध्यान रहे, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये परसेंट डी लगा, इसके हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो इसे डबल ऐसे बंद कर सकते हो, सेमी कॉलन लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लिख के यहाँ पर सिंपल सी लिख दो, ठीक है, ये हमने लिख दिया, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब डायरेक्टली रन करोगे तो रन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट सी एच लगाना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, ये हमने गेट सी एच लगा दिया, और यहाँ पर पुराने स्क्रीन को मतलब कैंसिल करने के लिए यहाँ पर आपको सी एल आर एस सी आर, यानी पुराने रिजल्ट को डिलीट करने के लिए और नया रिजल्ट प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर ये सी एल आर एस सी आर हमेशा लगाना होगा, ठीक है। तो हमारा जो दो प्रोग्राम जो वो है वो रेडी हो चुका है, दो नंबर का जो प्रोग्राम, हम दो नंबर लेंगे उसके बाद उन्हें ऐड करके उनका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। तो अब हम इसे सिंपली रन करते हैं, तो रन करने के लिए आप यहाँ पर रन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल और F9। तो देखिए जैसे ही आपने कंट्रोल F9 दबाया तो आपका जो स्क्रीन है वो सामने आ गया, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था, ये आपसे सबसे पहले पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, तो हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पर 10 प्रिंट करा, ध्यान रहे यहाँ पर इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, तो 10 प्रिंट करा। उसके बाद दूसरा कोड रन होगा एंटर द सेकेंड वैल्यू वाला, तो सेकेंड वैल्यू में हम 20 डालते हैं। तो अब इसके बाद क्या था, हमारा जो तीसरा वेरिएबल था उसमें रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए, तो इन दोनों का जो टोटल है 30 होता है, तो वहाँ पे लिखाना चाहिए द सम ऑफ टू नंबर इज, कॉलन लगा के 30 प्रिंट होना चाहिए, तो हमने ये 20 लिख के एंटर मार दिया। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है सम ऑफ टू नंबर इज कॉलन और 30। तो इस तरह से आप दो प्रोग्राम बना सकते हो दो एडिशन नंबर के लिए। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप एक इंटीजर वैल्यू यानी दो इंटीजर वैल्यू लेके उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से आप प्लस माइनस डिवीजन के प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो बेसिकली था इंटीजर डेटा टाइप के लिए, अब हम बात करते हैं फ्लोट और कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। तो चलिए हम मैंने एक पहले से प्रोग्राम बना रखा है, वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम पहले से जो भी कैरेक्टर है उसके लिए बना रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर बस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा से पूरा प्रोग्राम लिखूंगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बस मैंने प्रोग्राम पहले से लिख रखा है, आपको समझाऊंगा और एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में ये कैरेक्टर और फ्लोट के जो प्रोग्राम होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही ये कैरेक्टर का जो भी प्रोग्राम है वो बना रखा है, जहाँ से मैं एक कैरेक्टर एंटर करवाऊंगा यूजर से, और जो भी कैरेक्टर एंटर करवाया उसे रिजल्ट में मैं प्रिंट करूंगा। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको हेडर फाइल डिक्लेयर करना होगा, यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद मेन आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लियर SCR लिख के ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और यहाँ पर हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर लिया, एक्स लिया, ध्यान रहे कैरेक्टर में सिर्फ आप एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रिंट एफ करवाया, और यूजर से हमने एक फर्स्ट लेटर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने एंटर द फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लेटर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू पहुँचा उसे हमें x में पहुंचाना है, ठीक है, x में, यानी कैरेक्टर के जो भी मेमोरी एलोकेशन है उसमें पहुंचाना है। तो हमने यहाँ पर स्कैन f लिया, ठीक है, और उसके बाद कैरेक्टर को याद रहा, कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को शो करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर परसेंट c लगाते हैं, c लगाते हैं। हमने इंटीजर वैल्यू में पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पर परसेंट d लगाया था, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए जो मैंने आपको बताया था
जो थ्योरी बातें में इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के लिए, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए हमेशा परसेंट सी होता है, तो वो परसेंट सी आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद कोमा लगाना है एंड एंड लिख के एक्स में करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो एक्स में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पहुँच चुका है, अब इसके बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है जो भी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हमने लिखा प्रिंट एफ द लेटर इज, तो ये पूरा एज इट इज शो होगा जो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू, एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू परसेंट सी, तो उसके बाद जो भी आपने यहाँ टाइप करा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और कोमा लगा के यहाँ पर एक्स लिख दिया, यानी एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद गेट सी एच, उसके बाद हम प्रोग्राम को सिंपल रन करते हैं ऑल्ट F9 दबा के, सॉरी कंट्रोल F9 दबा के। तो देखिए जैसे हमने कंट्रोल F9 दबाया, उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं A, ठीक है। A हमने एंटर करा तो रिजल्ट हमारा शो हो रहा है द लेटर इज A, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, देखिए कंट्रोल F9 हमने, अब यहाँ पर हमने कोई एक बड़ा नाम टाइप कर दिया, मान लो ये मनोज, देखो मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करवाई थी, सिर्फ एक कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूरा नाम टाइप करता हूँ, चाहे जितना भी बड़ा नाम टाइप करता हूँ देखिए, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ही सबसे पहला कैरेक्टर लेगा, एक कैरेक्टर लेगा जो कि है M। तो रिजल्ट में बेसिकली सिर्फ M ही शो करेगा, बाकी जो कैरेक्टर है वो शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए हमने वहाँ पर मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं करा था। तो देखिए मैं ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ ये M शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कैरेक्टर मतलब मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो आपको क्या करना होगा, जहाँ पे भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा है, कैरेक्टर वेरिएबल का नाम ये एक्स लगा हुआ है, या फिर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो यहाँ पर अगर आपको एक लंबा नाम प्रिंट करवाना है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो आपको क्या करना होगा, जहाँ पे भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो इसके आगे आपको यहाँ पर जो भी स्पेस है वो देना होगा। तो यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगा के 20 दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्स में आप 20 कैरेक्टर यानी 20 कैरेक्टर, जैसे M A N O J मनोज हो गया, तो ये 5 कैरेक्टर हो गए, तो यहाँ आप 20 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर एक कैरेक्टर के लिए आप C लगाते थे, अगर आपको बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर करवाने होगा तो यहाँ पर आप C की जगह पे हमेशा S लगाओगे, जो कि स्ट्रिंग कहलाता है, जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बातें में बताया था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ C लगाया था वहाँ पर आपको यहाँ पर परसेंट S लगाना है, ठीक है। तो ये S लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे देखिए हो जाएगा। तो ये हमने इस प्रोग्राम को सिंपली रन किया कंट्रोल F9 दबा के, तो देखिए कंट्रोल F9 हो जाएगा। अगर हम अब मनोज पूरा लिखेंगे तो ये पूरा मनोज शो करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर जो वैल्यू है वो बेसिकली 20 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता है, तो ये आसानी से शो करके दिखा देगा, देखिए मनोज दिखा दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे आप एक सिंगल कैरेक्टर या फिर कहें एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। सेम इसी तरह फ्लोट का भी होता है, देखिए मैं आपको फ्लोट का भी समझा देता हूँ। अगर फ्लोट वैल्यू स्टोर करवाना है तो यहाँ पर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा फ्लोट float float यानी पॉइंट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने वेरिएबल का कुछ भी नाम रख दिया, a रख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहेंगे एंटर द फ्लोट वैल्यू, देखिए हमने ये करवा दिया एंटर द फ्लोट वैल्यू, ठीक है, ये हमने करवा दिया। उसके बाद जो भी हमने यहाँ वैल्यू एंटर करा वो बेसिकली हम यहाँ पर ए में पहुँचा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कहा था फ्लोट के लिए बेसिकली हम जो भी असाइन वैल्यू करने के लिए यहाँ पर एफ लगाते हैं परसेंट एफ, तो मैंने वो परसेंट एफ यहाँ पर लगा दिया। आप अगर थ्योरी वाली जो बातें मैंने आपको बता दी वो पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर वो आप यहाँ पर रिलेट करोगे, ठीक है। इसके बाद जहाँ जहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा फ्लोट का प्रोग्राम इतनी आसानी से बन चुका है। तो यहाँ पर हम एक फ्लोट वैल्यू एंटर करवाएंगे 10 point something कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये परसेंट एफ एंड ए आ गया, देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू एंटर करवाई, मतलब यहाँ पर आपने 10.12 डलवा दी, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये बेसिकली रिजल्ट को शो करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप इसकी जगह पे एक लंबा प्रोग्राम भी बना सकते हैं दो फ्लोट वैल्यू को ऐड करने के लिए, जैसे कि हमने दो नंबर को ऐड करने के लिए इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करके, सेम वहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी इंट है वहाँ पर आप फ्लोट कर दो, और जहाँ जहाँ पे परसेंट डी है वहाँ पर एफ लगा दो, तो वो प्रोग्राम बन जाएगा सेम एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सिंपली रन करते हैं कंट्रोल एफ नाइन दबा के, तो ये एरर बता रहा है, देखिए एरर क्या बता रहा है यहाँ पर, अनडिफाइंड सिंबल एक्स, हाँ जी हाँ देखिए, यानी ये एक्स सिंबल, तो यहाँ पर हमने ए सिंबल टाइप करा था, तो ऐसे एरर शो होते तो आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम था ए, लेकिन हम यहाँ पर एक्स टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ए टाइप कर दोगे और उसके बाद कंट्रोल एफ नाइन दबाओगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप 10.2 वैल्यू स्टार्ट करोगे और एंटर दबाओगे, तो देखिए यहाँ पर आपको ये फ्लोट वैल्यू में दिखा देगा 10.2। तो इस तरह से आप फ्लोट वैल्यू को भी एंटर करवा सकते हैं। इसका दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं और सिंपली हम एक
इंटीजर वैल्यू टाइप करते हैं तो ये शो करता है, देखते हैं 0.000 लगा दे रहा है, जिसका मतलब है कि ये पॉइंट वैल्यू को शो करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप डेटा टाइप जो कि कैरेक्टर है, फ्लोट है, इंटीजर है, उनके प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसे प्रैक्टिस करना है। जो भी प्रोग्राम मैंने बताया सेम पहले उसी के हिसाब से वही प्रोग्राम आप कॉपी कर लो, कॉपी में लिख लो, उसके बाद उसे रन करके देखो और उसे समझो अच्छी तरह जो भी मैंने आपको बताया। हालांकि इसके बाद भी कई सारे टॉपिक्स हैं मैं आपको बताना चाह रहा था, लूप क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जैसे कि इफ एल्स क्या होता है, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन चुका है। ये बेसिक्स है, आपको छोटे मोटे प्रोग्राम बनाना अब आ जाएगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखोगे तो जरूर होगा। तो यहाँ पर देखो, अब इसके आगे अगर आपको पूरा सी लैंग्वेज सीखना है तो नीचे मैंने वीडियो के पार्ट में डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक वाइज लाइन दे दिया, तो आपको इंटरनेट पे उन टॉपिक्स को एक एक करके सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको इंटरनेट में हिंदी में मिल जाएगा, डोंट वरी, वीडियोज काफ़ी सारे हैं, बस वो टॉपिक सर्च करो इन हिंदी या फिर गूगल कर लो, वहाँ पर आपको वीडियोज मिल जाएंगे या फिर आर्टिकल मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। हालांकि जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, किस तरह से दो प्रोग्राम बनते हैं, कैसे रन होते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो इसे बार बार प्रैक्टिस करो, जो मैंने आपको बोला है वो अच्छे से ध्यान से समझो, आपको डेफिनेटली प्रोग्राम बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं हर एक टॉपिक पे एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा तो बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे, कम से कम 100-150 या फिर 200 बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि एक बुक ले लो जिसका नाम है लेट अस सी, एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक है, काफ़ी बढ़िया है, वो बुक ले लो, इंग्लिश बुक है। हालांकि आपको इंटरनेट में कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे हिंदी में या फिर वीडियोज मिल जाएंगे, तो वहाँ पर बुक में बेसिकली आपको फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर एक बुक लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर आप कॉलेज में हो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट में है, तो आपको डेफिनेटली वहां से बुक मिला होगा। तो यहां पर अगर आप घर से सीख रहे हो तो यहां पर आप एक बुक ले लो, ज्यादा से ज्यादा आपको 200-300 का पड़ेगा। हो सके तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में उस बुक का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे खरीद सकते हैं अमेजोन से, बहुत ही सस्ता है। तो बस यही था, आप प्रैक्टिस करो, जो भी बेसिक चीज़ें थी बिगिनर के लिए था कि प्रोग्राम कैसे रन होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, वो सारा का सारा भैया मैंने आपको बता दिया, मेरा काम हो गया। मतलब अब आप खुद से प्रोग्राम बना सकते हो और खुद से सीख सकते हो। तो ये जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताया ये बिगिनर लेवल के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा तभी आपको समझ आएगा, तभी आपको ये जो भी स्टेटमेंट है या फिर कहें सिंटेक्स है वो लिखना आएगा। अगर आप एक दिन कर रहे हो, दूसरे दिन नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा। तो बस यही था, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करें बगैर मत जाना। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को उन सभी कंप्यूटर स्टूडेंट के साथ शेयर करना जो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर जो भी सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोज पसंद है और आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर जरूर दबाना, फ्री है, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।